दोस्तों आज हमारे पास गैलेक्सी A14 5G एंड गैलेक्सी A13 4G और आज की इस वीडियो में हम करेंगे इन दोनों फ़ोन के बीच एक स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कि किस फ़ोन की स्पीड आपको एक दूसरे से फास्ट देखने को मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोनों फ़ोन के स्पेसिफिकेशन से। बात करें गैलेक्सी A13 4G की तो यहाँ पर आपको मिलता है एक्जिनोस 850 ऑक्टा कोर CPU, मान लीजिए 52 इसमें आपको GPU मिलता है। यह फ़ोन एंड्रॉयड 12 के साथ वन UI कोर 4.1 पर रन करता है। इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। स्टोरेज की बात करें तो यह फ़ोन हमारे पास 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज वाला है। इसका प्राइस ऑनलाइन मार्केट में या ऑफलाइन मार्केट में आपको लगभग 14,000 या 13,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करें गैलेक्सी A14 5G की तो यहाँ पर आपको मिलता है एक्जिनोस का 1330 ऑक्टा कोर CPU, माली G68 इसमें आपको GPU मिल जाता है। यह फ़ोन एंड्रॉयड 13 के साथ वन UI कोर 5.0 पर रन करता है। इसमें भी आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। स्टोरेज की बात करें तो यह फ़ोन हमारे पास 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज वाला है। प्राइस की बात करें तो यह फ़ोन आपको 16,500 रुपये प्राइस में मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे दोनों फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस। अब हम करेंगे इन दोनों फ़ोन के बीच एक रीबूट टेस्ट और देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले रीस्टार्ट होता है। तो दोस्तों दोनों फोन के अगर रीबूट टेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको गैलेक्सी A14 5G रीबूट टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा फास्ट देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू गैलेक्सी A13 4G। अब हम करेंगे दोनों फोन के बीच मेन टेस्ट स्पीड टेस्ट कंपैरिजन और देखेंगे किस फ़ोन की स्पीड परफॉर्मेंस या कौन सा फ़ोन स्पीड में आपको बेहतर या फास्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था दोनों फ़ोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। अगर दोनों फ़ोन की स्पीड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको गैलेक्सी A14 5G की स्पीड काफ़ी फास्ट देखने को मिलती है गैलेक्सी A13 की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर आपको जो गैलेक्सी A14 5G में हार्डवेयर मिलता है वह गैलेक्सी A13 के हार्डवेयर की तुलना में काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी फास्ट हार्डवेयर है। तो यदि आप
मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम खेलना पसंद करते हैं तब आप गैलेक्सी A14 5G को ले सकते हो। इसके अलावा वैसे भी इस फ़ोन में आपको काफ़ी अच्छी स्पीड परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। अब हम करेंगे दोनों फ़ोन के बीच एक रैम मैनेजमेंट टेस्ट, देखते हैं कौन सा फ़ोन रैम मैनेजमेंट में बेहतर या अच्छा देखने को मिलता है। दोस्तों दोनों फ़ोन के अगर रैम मैनेजमेंट की बात की जाए तो रैम मैनेजमेंट भी मुझे गैलेक्सी A14 5G का काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, क्योंकि दोस्तों गैलेक्सी A14 5G के बैकग्राउंड पर सारे ऐप्स बने हुए एंड सारे ऐप्स इजीली री ओपन भी हो रहे हैं, जबकि गैलेक्सी A13 के बैकग्राउंड पर सारे ऐप्स बने तो हुए हैं लेकिन कुछ ऐप्स री ओपन होने में कुछ लोडिंग टाइम ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रैम मैनेजमेंट के मामले में भी गैलेक्सी A14 काफ़ी बेहतर है गैलेक्सी A13 की तुलना में। तो दोस्तों ये था दोनों फ़ोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। ओवरऑल दोनों फ़ोन में से यदि आप कोई फ़ोन लेना चाहते हो तो गैलेक्सी A14 5G आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। तो दोस्तों बस यही था आज के इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।